दबदबा था, दबदबा रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को रायबरेली के साथ ब्रजभूषण सरण सिंह की सीट केसरगंज से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को झेल रहे ब्रजभूषण सरण सिंह का टिकट कटना तो पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन टिकट मिलेगा किसे, इस पर भाजपा में भी असमंजस था। अपनी जगह अपने बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिलाकर ब्रजभूषण सरण सिंह ने अपना दबदबा एक बार फिर साबित कर दिया है। भाजपा ब्रजभूषण सरण सिंह के परिवार को ही टिकट देने के लिए क्यों मजबूर हुई, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे बड़े दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला, गाजियाबाद से बीके सिंह के टिकट कटने के बाद क्षत्रियों का भाजपा को लेकर चल रहा आंदोलन बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि भाजपा किसी अन्य क्षेत्रीय को भी टिकट दे सकती थी, लेकिन उससे एक और संकट बढ़ने की आशंका थी। केसरगंज से अभी तक सपा ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा था कि अगर भाजपा ब्रजभूषण सरण सिंह को टिकट नहीं देती है तो सपा उन्हें टिकट दे देती। ब्रजभूषण सरण सिंह सपा से भी सांसद रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा की परेशानियां न सिर्फ केसरगंज में बढ़ती बल्कि आसपास की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर भी बढ़ सकती थी। कहा जा रहा है कि करण भूषण सिंह को केसरगंज से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भाजपा ने ब्रजभूषण सरण सिंह से बात बहुत पहले की थी, लेकिन ब्रजभूषण सरण सिंह अभी रिटायर होने के मूड में नजर नहीं आ रहे थे, इसी वजह से टिकट में इतनी देरी हो रही थी। इस बीच सपा के यहां से भी इंतजार ने भाजपा की परेशानियां बढ़ा दी थी। नामांकन की आखिरी तारीख होने के कारण नाम की घोषणा करनी जरूरी थी। सपा को भी किसी तरह फायदा न हो, इसलिए ब्रजभूषण सरण सिंह के आगे भाजपा की एक न चली और बेटे को ही टिकट देना पड़ गया। करण भूषण फिलहाल यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो पहली बार लोकसभा चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनके बड़े भाई प्रतीक भूषण भाजपा से ही विधायक हैं। ब्रजभूषण सरण सिंह की पूर्वांचल की राजनीति में बहुत पहले से धाक है। वो 6 बार सांसद रह चुके हैं। वो गोंडा से 2 बार, बहराइच से 1 बार और केसरगंज से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। केसरगंज से पहली बार उन्होंने सपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2008 में उन्हें मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में भाजपा ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि 2014 में वो फिर से भाजपा में आ गए और भाजपा के टिकट पर ही केसरगंज से चुनाव जीता। इससे पहले 2009 में वो सपा के टिकट पर यहां से जीत दर्ज करके आए थे। इससे पहले चौतरफा विरोध के बाद ब्रजभूषण सरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से अपने खास संजय सिंह बबलू को जिताकर विरोधियों को पस्त कर दिया था। उस समय बेटे प्रतीक भूषण की एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें लिखा था, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। आज ब्रजभूषण सरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट मिलना भी उसी दबदबे की अगली कड़ी कही जा रही है। केसरगंज से भाजपा सांसद बाहुबली ब्रजभूषण सरण सिंह के बेटे के हाथों में दबदबा वाला ये पोस्टर उस समय वायरल हुआ था जब संजय सिंह बबलू को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।